धार और हैदराबाद में चाइनीज मांझा हाल ही में दो मासूमों की जान ले चुका है। इसके बाद भी छिंदवाड़ा प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। यहाँ भी प्रतिबंधित मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। श्री कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, लग्जरी डीलक्स रूम, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, विशाल मैरिज गार्डन, पता है मेगा सिटी के पास, राजघाट रोड, सागर। शहर में जगह जगह मांझा बिकता देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में पतंग प्रेमी इसका उपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे में किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 300 से लेकर 400 रुपए में मांझा आसानी से खरीदा जा सकता है। रविवार को छिंदवाड़ा में भी 3 लोग चाइनीज मांझे से घायल हुए थे। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले में सिर्फ आशीष मालवी और महेश मालवी पर मामला दर्ज कर खानापूर्ति कर ली गई। अब देखना यह है कि आखिर अधिकारी कब तक कुंभकर्णी नींद से जागकर शहर में कार्रवाई के लिए निकलते हैं। चाइनीज मांझा को पूर्व में जो है एक टीम बना करके दुकानों पर दबिश दी गई थी, जिसमें अनेक दुकानों से मांझा जब्त तो किया गया था। इसके पश्चात तो कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त मामला संज्ञान में आने पर धारा 144 भी तत्संबंध में लागू की गई थी। करीब 10 दिन पूर्व मेरे संज्ञान में कल 3 घटनाएं आई हैं, तो इसके संबंध में पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 2 लोगों के खिलाफ धारा 188 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज भी हम अपना नगर निगम, राजस्व और पुलिस का संयुक्त दल दुकानों पर भेज रहे हैं। जहां भी मांझा पाया जाएगा उन लोगों के खिलाफ भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कराए जाएंगे। और मेरी अपील मांझा उपयोग करने वालों से भी है, ऐसे लोग जो पतंग के शौकीन हैं, पतंग उड़ाते हैं, उन्हें कदापि चाइनीज मांझा वाले धागे का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोग भी उपयोग करते हुए पाए जाएंगे और कोई दुर्घटना घटित होने की जानकारी मिलेगी तो नियमानुसार उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। ये देखिए, चाइनीज मांझा को लेके जो है पुलिस और प्रशासन दोनों ही संवेदनशील है, क्योंकि लगातार घटनाएं हमको देखने सुनने में मिल ही रही है कि कभी किसी के गले में चोट आ गई है, कान में चोट आ गई है, आंख में चोट आ गई है, और ये बड़ा ही खतरनाक मांझा होता है। प्रशासन द्वारा डोंडी पिटवा के और भी अन्य तरीकों से जागरूकता फैलाई गई है कि चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें और ना ही कोई बिक्री कर सकता है। इसके लिए माननीय डीएम महोदय ने लिखित जो है आदेश दिनांक 9 जनवरी को इसको प्रतिबंधित किया है बिक्री से। फिर भी लोग चोरी छुपे बेच रहे थे, जिसपे हमने जो है कल 2 जगह दबिश दी है, और मोतीलाल चौक मटका बाजार में मोहन मालवी और काली मठ बुधवारी बाजार में आशीष मालवी, दोनों को जो है हमने चाइनीज मांझा बिक्री करते हुए पकड़ा है। पंचनामा बना के दोनों के खिलाफ अलग अलग हमने 188 IPC का प्रथम पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है और इसको न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। और चाइनीज मांझा को लेके हम जागरूकता भी हम लगातार कर रहे हैं। फिलहाल हम लगातार निगरानी रखे हुए, जो भी अब चाइनीज मांझा बिक्री करेगा इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे जो पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते समय यदि उनके पास चाइनीज मांझा पाया जाता तो उन पर कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, उनको खरीदना बेचना जो है यूज करना दोनों प्रतिबंधित किया जाता है। अगर कार्रवाई आवश्यकता पड़ी तो यूज करने वालों पे भी की जाएगी और बेचने वाले तो उसमें दूसरे अटवाड़ा पे रहते हैं, मानकर स्कूल गए थे, वापस में आते हुए सौरभ गाड़ी चला रहा था, आगे मारने के आने से हाथ में लग गया। आपके साथ कौन था? आयुष था। उसको भी लगाया क्या? नहीं, इसको नहीं लगा, पीछे। अच्छा, आपकी गर्दन में लपेट गया। कहाँ के रहने वाले? हम पटपन मानकर स्कूल जाते हैं। आप निवास कहाँ करते हैं भाई? पटपना। क्या नाम है आपका? मोंटू सुरेश। दुकान भागा दिखाने नहीं, मेरे को जाती था ही। जी, फंस गए गाड़ी, गले में फंसा। हाँ, कितना घाव हुआ? दिखा नहीं, नहीं। आपके साथ कितने लोग थे? अकेला था। क्या? एक साल गाड़ी चला रहे थे? हाँ, नहीं। श्री कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, लग्जरी डीलक्स रूम एंड डोरमेट्री, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, विशाल मैरिज गार्डन, CCTV से सुरक्षित कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, पता है मेगा सिटी के पास, राजघाट रोड, सागर। हमारा नंबर है 07000 3444 01।
0947 93 95 844।